हेलो दोस्तों, ये है हॉरर लव हिंदी और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइफ़ाई मूवी को देखेंगे। ये मूवी थाईलैंड की है जिसका नाम है द डीप। ये मूवी शुरू होती है एक मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर एक लड़का कॉलेज की छत पर था और सुसाइड करने के लिए छत से कूद जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नीचा लेक्चर ले रही थी, जहाँ पर वो बच्चों को इंसोमेनिया के बारे में बता रही थी। इंसोमेनिया दरअसल नींद आने को कहा जाता है, जो कि थकान टेंशन की वजह से होती है, और अगर कोई इंसान ज़्यादा समय तक जागा हुआ रहे तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। व्यक्ति को असली दुनिया और उसकी इमेजिनेशन का अंतर पता ही नहीं लगता है और उसे लगातार हेल्यूजिनेशन आते रहते हैं। मूवी की मेन कैरेक्टर का नाम है जेन। जेन उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ की प्रिंसिपल प्रोफेसर नीचा थी। जेन के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी ग्रैंड माँ और उसकी छोटी सिस्टर थी, जिनकी देखभाल जेन को ही करना थी। जेन की छोटी बहन का नाम था जून और वो म्यूजिक सीखती थी और अक्सर घर पर लेट आया करती थी, और इसीलिए जेन और जून के बीच में लड़ाई होती है। और इसी दौरान जून का फोन जमीन पर गिरता है, जिससे कि उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी और जून वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जेन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उनके ऊपर होम लोन भी चढ़ गया था, और इसीलिए जेन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ देगी और जॉब करेगी। जेन अगले दिन अपने कॉलेज के प्रिंसिपल नीचा को अपनी कंडीशन बताकर कॉलेज छोड़ने को कहती है, जिसे सुनकर प्रोफेसर नीचा जेन को एक जर्मन कंपनी का मेडिकल प्रोजेक्ट ऑफर करती है, जिसे पूरा करने पर उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। इस प्रोजेक्ट में दिमाग के द्वारा बनाए गए एक क्रोटोनिन नाम के केमिकल को निकाला जाता है, और ये केमिकल कोमा में गए हुए पेशेंट को जगाने के लिए भी दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 3 लेवल थे और हर लेवल पहले से ज़्यादा टफ था, और जितना ज़्यादा लेवल टफ होगा उतना ज़्यादा क्रोटोनिन निकलेगा। जिसके बाद में वहाँ पर डॉक्टर मिलर नाम का एक आदमी आता है और वो जेन को बताता है कि वो एक कंपनी में रिसर्चर है। वो जेन को यह भी बताता है कि क्रोटोनिन इंसान के दिमाग से तभी निकलता है जब वो लगातार जागते रहते हैं, और इस प्रोजेक्ट में जेन को बस जागते रहना है, जिसके बदले में जेन को $3,000 दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। जेन के शरीर में एक माइक्रोचिप डाली जाएगी जो क्रोटोनिन की जांच करेगी, और इसमें जेन को तब तक बिना सोए रहना था जब तक कि एक तय किया हुआ अमाउंट में क्रोटोनिन निकल नहीं जाता। जेन को पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए वो इस ऑफर के लिए मान जाती है। डॉक्टर मिलर उसे एक डिवाइस भी देता है जो कि उसकी बॉडी के क्रोटोनिन की जाँच करेगा, और अगर जेन सोने की कोशिश करेगी तो क्रोटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, और अगर जेन 60 सेकंड से ज़्यादा नींद में रही तो उसके शरीर में उस चिप के जरिए एक शॉर्ट सर्किट होगा जो कि उसके दिल के धड़कन को रोककर उसे मार डालेगा। फिर जेन इस एग्रीमेंट को साइन करके अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी क्लास के 3 और स्टूडेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है, और इनके नाम थे विन, जो कि एक पार्टी एनिमल था और उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, बस उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना था। दूसरी लड़की का नाम था सीन और ये एक ब्यूटी ब्लॉगर थी, और अगला था पीच जो कि एक गेमर था। ये तीनों आपस में बातें करते हैं और जल्दी इस टास्क को 2-3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बदले में इन्हें $3,000 मिल जाते हैं। टास्क के पूरा करते ही इनके गर्दन पर लगी हुई उस चिप को निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर मिलर के द्वारा इन्हें इनके पैसे मिल जाते हैं, जिसे सब अपने अपने तरीके से खर्च करते हैं। पीच अपने लिए एक नया गेम लेकर आता है और विन अपनी ऐशो आराम की चीज़ों में पैसों को उड़ा देता है। सिन जो कि एक ब्यूटी ब्लॉगर थी, वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा हॉट बनाने के लिए अपनी बॉडी के अपर पार्ट की सर्जरी कराती है, और जेन अपनी बहन को एक नया फ़ोन लाकर देती है, और फिर ये सब अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर समय ऐसे ही गुजर जाता है और सभी नोटिस करते हैं कि कोई उन्हें लगातार नोटिस कर रहा है और उन पर नज़र रखे हुए हैं। सिन को ये लगता है कि शायद ये वही जर्मन कंपनी वाले लोग हैं, और फिर एक दिन बातों बातों में जेन सभी से पूछ लेती है कि क्या वो डीप प्रोजेक्ट के लेवल 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सभी को लगता है कि ये पैसे कमाने का बड़ा आसान तरीका है, और इसीलिए सभी डिसाइड कर लेते हैं कि वो डॉक्टर मिलर के पास में जाकर लेवल 2 को भी कंप्लीट करेंगे। फिर सभी डॉक्टर मिलर की कंपनी में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ज़्यादा मात्रा में क्रोटोनिन बनाना था, और इसीलिए इन सभी को अब 5 दिनों तक बिना सोए रहना था। डॉक्टर मिलर की इन बातों को सुनकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जब इन्हें $15,000 का ऑफर मिलता है तो कोई भी इस ऑफर को मना नहीं कर पाता, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी को बिना सोए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी बॉडी से ज़्यादा क्रोटोनिन नहीं बन रहा था, और इसके अलावा इन सभी को नींद न पूरी करने के साइड इफेक्ट भी हो रहे थे, जैसे कि इन सभी के साथ में अजीब अजीब चीज़ें भी हो रही थी। विन को हेलिसिनेशन हो रहा था और वो अपने एक फ्रेंड को बिना मतलब के एक पंच मार देता है,
जेन इमोशनली कमजोर हो गई थी और वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। और फिर जून अपनी बहन के ऐसे बिहेवियर से पूछ लेती है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाई है, लेकिन जेन उसे कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेन के जाने के बाद में जून को उसकी बहन की बुक से वो जर्मन कंपनी का कार्ड मिल गया था, जिससे कि वो पता लगा लेती है कि उसकी बहन क्या कर रही है। फिर अगले दिन सभी कॉलेज की कैंटीन में मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं कि उनकी बॉडी में ज़्यादा क्रोटोनिन क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन सभी को छोड़ के विन का क्रोटोनिन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। जून उसे देखकर समझ जाती है कि उसका क्रोटोनिन इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। और फिर सभी मिलकर पीच के घर पर एक नाइट पार्टी करते हैं और वे सभी विन की तरह हर चीज़ को एंजॉय करते हैं और कई सारी टेबलेट्स खाते हैं जो कि उन्हें रात भर जगाए रखती है। जेन ये सभी पिल्स लेने से थोड़ी घबराती है कि इससे उन्हें कुछ हो न जाए, लेकिन विन सभी को विश्वास दिलाता है कि इससे कुछ नहीं होगा और सभी उस टेबलेट वाली ड्रिंक को पी लेते हैं। जिसके बाद में सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और अचानक जेन सबके सामने अजीब तरह से डांस करने लग जाती है। जेन का ये पार्टी वाला आइडिया काम कर रहा था और सभी के क्रोटोनिन बढ़ रहे थे, जिसमें विन का सबसे ज़्यादा क्रोटोनिन हो गया था जो कि था 83%। अब यहाँ पर बाथरूम से बाहर आने के बाद में सीन पीच के कमरे में घुसती है और सीन को ये पता लगता है कि वो पीछी था जो उस पर नज़र रखता था, जिससे उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो टेंशन के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन के दिमाग में क्रोटोनिन कम हो रहा था और अगर वो 60 सेकंड तक होश में नहीं रही तो वो चिपके फटने से मर जाएगी। और ये किस्मत की ही बात थी कि सभी लोग मेडिकल स्टूडेंट थे और इसीलिए वे सभी उसे क्रोटोनिन के ज़ीरो होने से पहले होश में ले आते हैं। सीन मरने से बच जाती है और जल्दी इन सभी का क्रोटोनिन 100% हो गया था, जिसके अगले दिन सभी के सभी डॉक्टर मिलर के पास जाकर कहते हैं कि वो डीप प्रोजेक्ट का लेवल 3 नहीं कर पाएंगे और डॉक्टर मिलर उन्हें करने के लिए फोर्स करता है क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। और फिर डॉक्टर मिलर उन्हें $30,000 ऑफर करता है जो कि सचमुच में एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन सभी के सभी इस अमाउंट को मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि कोई भी डीप प्रोजेक्ट में अब पार्ट नहीं लेगा। पिच सीन से उसका पीछा करने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन सीन उसका भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर विन जेन से कॉन्सर्ट में जाने के लिए पूछता है, लेकिन जेन उसे कहती है कि उसकी लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर जेन अपने घर की ओर निकल चुकी थी। जब जेन हॉस्पिटल के सामने से निकल रही थी तो वो एक डेड बॉडी को देखती है, जिसके हाथ पर वो डीप प्रोजेक्ट की वॉच थी, यानी कि वो जिस किसी की भी डेड बॉडी थी उसने डीप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था और उसकी इसी कारण मौत हो चुकी थी। फिर एक दिन जेन के ग्रैंडमा को अचानक कुछ हो जाता है और उन्हें ICU में एडमिट किया गया था। जेन के ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जेन के पास में अब इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और तभी वहाँ पर जेन की छोटी सिस्टर जून आकर जेन को पैसे देती है और जेन को भी पता लग जाता है कि जून ने भी डीप प्रोजेक्ट के लिए क्रोटोनिन दिया है। दोनों में लड़ाई होती है और जून अपनी बड़ी बहन को कहती है कि वो भी अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर एक दिन जून गुस्से में डॉक्टर मिलर के पास पहुंचती है और देखती है कि जून वहाँ पर डीप प्रोजेक्ट के सेकंड लेवल के लिए अपने गले में माइक्रोचिप लगवा रही थी। जेन डॉक्टर मिलर को उस चिप को निकालने को कह रही थी, लेकिन डॉक्टर मिलर उससे कहता है कि वो तभी उस चिप को निकालेगा जब जेन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में डीप प्रोजेक्ट के लेवल 3 को कंप्लीट करेगी। जेन जल्दी ही अपनी बहन को वहाँ से लेकर निकल जाती है और अपने तीनों फ्रेंड्स से इस बारे में बात करती है, लेकिन विन के अलावा कोई भी उसकी मदद के लिए राजी नहीं होता क्योंकि सभी को ये पता था कि डीप के लेवल 3 के लिए हाँ करना मतलब कि सीधा सुसाइड करना था, जिससे कि जेन निराश होकर अपने घर जा चुकी थी। फिर जेन के फ्रेंड्स रात के समय सोचते हैं कि उनकी लाइफ पहले कितनी अच्छी थी, वे सभी साथ मिलकर मज़े करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अगले दिन जेन अपनी बहन और विन के साथ में मिलर के लैब में आई थी डीप प्रोजेक्ट के लेवल 3 के लिए, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि पीच पहले से ही बैठा हुआ है और वो जेन की मदद करने के लिए राजी था। जिसके बाद में वहाँ पर सीन भी आ गई थी और वो भी जेन की मदद करना चाहती थी। वे सभी प्रोफेसर नीचा से मिलते हैं जो उन्हें नींद न आने की दवाई देती है और वो उन्हें एक खाली लैब भी प्रोवाइड करवाती है और ये कहती है कि वो उन्हें कभी भी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। जिसके बाद में सभी उस डीप प्रोजेक्ट के लेवल 3 के लिए रेडी होते हैं। वे सभी बिना सोए 6 दिन कंप्लीट कर लेते हैं और तभी अचानक होता यह है कि सीन को हेलुसिनेशन होता है कि उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था और सीन गुस्से में आकर बाथरूम का आईना तोड़ देती है। सीन बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करती है और वो जेन और उसकी बहन को ये ब्लेम करती है
कि वो उनकी वजह से यहाँ पर आई और उसकी ये हालत उनकी वजह से ही हुई है। अब धीरे धीरे सबके बिहेवियर में लगातार न सोने के कारण बदलाव आ रहे थे और उन सभी की आपस में लड़ाई हो रही थी। पिच विन को एक पंच मार देता है और ये सभी आपस में ही लड़ रहे थे। जेन इन सबसे परेशान हो जाती है और वो तुरंत प्रोफेसर नीचा से मदद लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे प्रोफेसर नीचा तो नहीं मिलती, लेकिन वो एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे पता लगता है कि उनके लैब में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और डॉक्टर मिलर उन्हें लगातार देख रहा था। वहाँ पर पड़ी फाइलों से जेन को यह भी पता लगता है कि डॉक्टर मिलर असल में कोई डॉक्टर नहीं है और जेन को ये पता लग गया था कि असल में चल क्या रहा है। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें पुलिस बुलाने को कहती है और ये कहती है कि इन सभी के पीछे डॉक्टर मिलर नहीं बल्कि उनके कॉलेज की ही प्रिंसिपल प्रोफेसर नीचा थी और प्रोफेसर नीचा ही डीप प्रोजेक्ट की मास्टरमाइंड थी। लेकिन जो लैब उन्हें डॉक्टर नीचा ने प्रोवाइड कराई थी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते और ये लैब बाहर से पूरी तरह से लॉक थी। फिर लैब में लगे हुए इंटरकॉम के जरिए प्रोफेसर नीचा उनसे कहती है कि जब उनके दिमाग से 100% क्यूटोनिन पूरा हो जाएगा तो वो उन्हें छोड़ देगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच पाएंगे या नहीं। जिससे गुस्से में आकर सीन सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देती है और फिर धीरे धीरे सभी की हालत ख़राब हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि विन अपने होश खो बैठा था और तभी वहाँ पर प्रोफेसर नीचा पहुँचती है और वो विन की बॉडी को एक कमरे में लेकर आती है और फिर सडनली विन उठकर प्रोफेसर को एक बड़ी सी चीज़ से हिट कर देता है जिससे कि वो ज़मीन पर गिर जाती है और विन उसे बताता है कि उसने एक इंजेक्शन लगा लिया था जिससे कि हार्टबीट कुछ समय के लिए रुक जाती है। और फिर सभी प्रोफेसर नीचा से पूछते हैं कि उसने आखिरकार सबके साथ में ऐसा क्यों किया और फिर यहीं से खुलते हैं इस मूवी के राज। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जो कॉलेज की बिल्डिंग से कूदने वाला सीन दिखाया गया था वो 24 साल पुराना था और वो सुसाइड करने वाला लड़का प्रोफेसर नीचा का बॉयफ्रेंड जेट था, जो कि मरा नहीं था बल्कि वो इतनी ऊपर से गिरने के कारण कोमा में चला गया था। जेट को जिंदा रखने के लिए उसे क्रोटोनिन की ज़रूरत पड़ती थी और इसीलिए डॉक्टर नीचा डीप प्रोजेक्ट से उसके लिए दूसरों की बॉडी से क्रोटोनिन निकाला करती थी। प्रोफेसर नीचा अपनी स्टोरी सुनाई रही थी कि सडनली वो एक पास में पड़े हुए इंजेक्शन को जेन की बॉडी में घुसा देती है, जिससे कि होता यह है कि जेन ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर पिच और सीन प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और जून विन के साथ में जेन को होश में लाने की कोशिश करती है। वे सभी ये देखते हैं कि जेन 60 सेकंड से ज़्यादा बेहोश थी और सभी को लग रहा था कि शायद वो मर गई है, जिससे कि जून अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो रोते रोते एक जोर का पंच जेन के चेस्ट पर मारती है जिससे कि उसकी हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है और वो अब होश में थी। मूवी के एंड में प्रोफेसर नीचा को अरेस्ट कर लिया गया था और किसी को भी लेवल 3 के लिए कोई अमाउंट नहीं मिलता है, लेकिन उन सभी को उससे भी कीमती चीज़ उन सभी की ज़िंदगियां मिलती है और अब सब अपनी नींद को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्दी ही ऐसे वीडियोज़ लेकर आते हैं।